फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10.3। काफी कुछ अपन ने उसमें पढ़ लिया है। अब एक दो प्रॉपर्टीज और उसके क्वेश्चंस रह गए, वो अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। और उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के जो कमेंट्स रहे उसके बेस पे जो अपना रिवाइज सिलेबस आया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका पूरा एनालिसिस करके फिर से एक बार सिलेबस के बारे में पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हमारे सिलेबस में इंक्लूड की गई है और क्या चीजें हमारे सिलेबस में से हटाई गई है। तो उसके बारे में थोड़ा शुरुआती 5-7 मिनट में आज सिलेबस के बारे में एक बार पूरा एनालिसिस करने के बाद जो भी बोर्ड की वेबसाइट पे निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक मैंने पूरी बुक का एनालिसिस करके और फिर यहाँ पे एक प्रारूप तैयार किया है कि क्या चीजें यहाँ शामिल की गई और क्या हटाई गई। तो निश्चित रूप से आपको पता चल सके कि कितना सिलेबस हमारे लिए रखा गया है, कितना हटाया गया है। तो पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके बारे में अपन देख लेते हैं। क्लास 12th की बात हो रही है और आरबीएसई की बात है, राजस्थान बोर्ड की। सीबीएसई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई में तो 30% सिलेबस कम किया गया, कई जगह स्कूलें भी खुल गई है वो, और आरबीएसई में भी 40% सिलेबस कम किया गया है। और आसार नजर आ रहे हैं कि 2 तारीख से, 2 नवंबर से स्कूल खुल जाए। अभी 3 दिन पहले तक तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी हर बार तो ऐसा होता है कि एंड टाइम पे लास्ट डे पे जाके जो है इनका डिसीजन चेंज हो जाता है। बट हम सकारात्मक रहते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि स्कूलें खुल जाएगी 2 नवंबर को, जैसा इनका अभी सिलेबस कम करने का निर्णय आया है और कॉलेज के बारे में भी आया है कि 17 नवंबर से खुल रहे हैं। तो देखिए सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं, इसमें मैं चैप्टर वाइज ले लेता हूं भाई कौन से चैप्टर में क्या रखा गया है क्या नहीं रखा गया है। चैप्टर 1 या पहले यहां अपन लिख लेते हैं चैप्टर, और यहां पे हटाया गया पार्ट। ठीक है, और यहां पे शामिल किया गया। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपके इसमें से कंप्लीटली हटा दिया गया है, आपकी बुक में से फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, उसका कुछ भी पार्ट शामिल नहीं है। सेकंड चैप्टर जो है इसमें कुछ नहीं हटाया गया है, सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा भी सिलेबस में रखा गया है। थर्ड चैप्टर जो है इसमें आप देखो थर्ड चैप्टर में जो शामिल चीजें हैं वो 3.1 है, 3.2 है, ठीक है, और आई थिंक उतना ही है उसमें। फोर्थ चैप्टर में हालांकि कुछ एक छोटा टॉपिक उसमें हटाया है बट उसके क्वेश्चन वोश्चन कहीं है भी नहीं, तो इसलिए ऐसा समझो कि थर्ड चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया गया है। और बात करें आप फोर्थ चैप्टर की, तो फोर्थ चैप्टर में 4.1 जो है, सॉरी, हटाया गया में है, 4.2 हटा दिए यहाँ पे और 4.1 को रखा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की। फिफ्थ चैप्टर में 5.2 जो है वो कंप्लीटली तो नहीं हटाई गई है, उसका मोटा मोटा ओवरव्यू है कि क्वेश्चन नंबर 7 to 14 ये हट गया है और 5.1 को रखा गया है। 5.2 में फिर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ये रखे गए हैं ना। फिर ये सभी चैप्टर की जो मिसेलियस एक्सरसाइज है उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं गया, बट जो जो टॉपिक के नेम्स दे रखे हैं उन टॉपिक के क्वेश्चंस उनके मुताबिक हट जाएंगे। तो मिसेलियस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें मिक्स में क्वेश्चन होते हैं सारे। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 जो है कुछ नहीं हटाया गया, पूरा पूरा चैप्टर नंबर 6 रखा गया। चैप्टर
चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो 7.2 हटा दी गई है, 7.4 हटा दी गई है और 7.6 हटा दी गई है, ठीक है। और बाकी जो बच गई है 7.1, 7.3 और 7.5, ठीक है, इनको रखा गया है। 8th चैप्टर की बात करें 8.1, 8.4 और 8.6 इनको हटा दिया गया है और 8.2, 8.3 और 8.5 इनको रखा गया है। 9th चैप्टर की बात करें तो 9.5 को हटा दिया गया है, ठीक है, और बाकी सब 9.5 को छोड़ के फिर सारा सब कुछ आ जाता है इसमें, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7। अब इसमें इतना जरूर है कि जो 9.7 है उसके क्वेश्चन नंबर 1-8 रखे गए हैं और 9.7 के क्वेश्चन नंबर 9-16 हटा दिए गए, ठीक है। 10th चैप्टर की बात करें आप तो 10.1 को हटा दिया गया है और 10.2 और 10.3 इनको रखा गया है। 11th चैप्टर की बात करें अगर, चैप्टर नंबर 11, तो उसमें 11.1 को रखा गया है, 11.2 को हटा दिया गया है। 12th चैप्टर की बात करें 12.2 हट गई है, 12.7 हट गई है, 12.9 हट गई है, बाकी जो भी बच गई है फिर 12.1, 12.3, 4, 5 और 6, ठीक है, 12.8 ये रखी गई है। बात करें 13 चैप्टर की, जो वेक्टर वाला है उसमें से 13.4 और 13.5 जो है ये हटा दिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1-7 ही हटाया 13.5 में और बाकी सब कुछ रह गया 13.1, 13.2, 13.3 और 13.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के जो भी पार्ट है वो रखे गए। फिर उसके बाद में आप आ जाओ 14 चैप्टर पे, जो 3D वाला है उसमें 14.3 को हटा दिया है और 14.6 को हटा दिया, मोटा मोटी कुछ चीजें जो है वो रखी गई है, वो पढ़ाते समय आपको बता देंगे और बाकी सब कुछ रखा गया 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, ठीक है, ये रखा गया है। फिर 15 चैप्टर जो है कंप्लीटली हटा दिया, सब कुछ भी नहीं रखा गया, ठीक है भी। और बात करते हैं लास्ट चैप्टर 16 वाला, प्रोबेबिलिटी 16.3 हटा दी है, 16.4 16.4 में केवल मीन एंड वेरिएंस वाले क्वेश्चन हटाए, माध्य और प्रसरण, और 16.5 पे हटा दिए, तो उसके बाद बच क्या गया आपका 16.1, 16.2 और 16.4 ये रह गया। तो ये मतलब आप समझ सकते हो कि 95% चीजें मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे प्लॉट कर दी, बाकी कुछ चीजें तो ऐसा आएगी जब कोई टॉपिक हटा दिया तो किसी एक्सरसाइज में पूरे में 5 क्वेश्चन उस टॉपिक के हैं तो वो 5 क्वेश्चन हटेंगे बाकी नहीं हटेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस करने के बाद में जो रिवाइज सिलेबस का है ये खाका है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, काफी बच्चों की इसमें रुचि थी कि सब क्या हटाया क्या नहीं हटाया, तो ये आप एनालिसिस कर लेंगे। 2 चैप्टर कंप्लीटली हटे, एक फर्स्ट और एक 15, ये तो पूरी तरह हट गए, ये 7 मार्क्स का वेटेज था इनका, ठीक है, और बाकी बीच बीच में से कुछ पार्ट हटाया गया। चलो जी, अब उसके बाद में हम जो 10th चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको P4 और P7 प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन कराए, समझाए बहुत सारे क्वेश्चन। अब उसमें 2 प्रॉपर्टीज और रह गई, उनको भी समझ लेते हैं और उनके क्वेश्चंस वगैरह भी अपन देख लेते हैं कैसे क्या हो, ठीक है। तो आप देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद में मैंने सीधा प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको कराई थी, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 रह जाती है और प्रॉपर्टी नंबर 6 रह जाती है। तो पहले तो इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है,
जीरो टू एन ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जीरो टू एन ए है तो एन आगे आ जाएगा और बाकी सारी चीजें ऐसे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स जो है वो आवर्ती फलन है ए का, ए का आवर्ती फलन। मतलब आवर्ती फलन से मतलब होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल इसकी हमको हालांकि प्रॉपर्टी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी अपने जब टेक्स्ट बुक की जहां तक बात करें उसमें, तो ठीक है फिर भी इसको मैं समझा देता हूं। चलो ये लिखा हुआ है जीरो टू एट पाई और कॉस एक्स, तो आप ये देखो इसके अंदर से ये जो है इसको भी एक बार ऐसे लिखता हूं जीरो टू फोर इंटू टू पाई। ये यहां n का काम कर रहा है और ये यहां a का काम कर रहा है। 4 इंटू टू पाई ही क्यों लिखा है मैंने, मैंने 8 इंटू पाई क्यों नहीं लिखा, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। अब मेरे लिए ये एफ एक्स है, ठीक है देखना। अब ये मैं कह रहा हूं a का काम ये कर रहा है, तो अब मैं एक काम करता हूं f ऑफ a प्लस x की वैल्यू निकाल के देखता हूं, यानी कि f ऑफ 2 पाई x प्लस x की वैल्यू ऐसे, तो f of 2 पाई प्लस x की वैल्यू, अब cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो वापस क्या आ गया भाई f of x आ गया। तो यही तो इसने कहा कि f of a प्लस x की वैल्यू अगर f x आ जाती है तो, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ये n आगे ले सकते हैं, 4 आगे आ जाएगा 0 to 2 पाई cos x dx। तो ये जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी ना तभी अपन ऐसा कर पाए। तो ये तो बात अभी ये प्रॉपर्टी कब लागू होती है, और जैसा मैंने कहा कि हमारे टेक्स्ट बुक के संदर्भ में जहां तक बात है इसका यूज होगा नहीं, पर जानकारी के लिए मैंने बता दी। अब एक प्रॉपर्टी रह जाती है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 6, उसका यूज होगा हमारे टेक्स्ट बुक में, तो उसको समझ लें, उसके क्वेश्चन भी मैं कराता हूं अभी आपको। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो भी क्या है, ये प्रॉपर्टी जो है आपको बिल्कुल देखते ही नजर आ जाएगी, समझ आ जाएगा हाँ ये प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है कैसे, क्योंकि इसकी लिमिट बिल्कुल ही अलग टाइप की है, माइनस ए टू ए, जैसे माइनस वन से वन, माइनस पाई से पाई, माइनस टू पाई से टू पाई, ऐसी इसकी लिमिट रहेगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो लोअर लिमिट है वो जीरो हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, और यहां मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कब होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा, ऐसा कब होगा जब एफ ऑफ एक्स एक सम फलन है। अब भाई ये सम फलन क्या चीज होती है, अगर f ऑफ माइनस x की वैल्यू f ऑफ x आ जाती है ना तो उसको हम सम फलन बोलते हैं। जैसे भाई cos x है, अब उसमें आपने x की जगह माइनस x लगा दी, चेंज कर दिया आपने, फिर भी cos माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, cos x आएगी, तो इसको हम कहेंगे भाई cos x एक सम फलन है। लेकिन sin x के साथ ऐसा नहीं होता, जैसे sin x है तो x की जगह आपने माइनस x लगाया तो माइनस sin x आया, तो फिर वो fx नहीं आया, वो सम फलन नहीं। ठीक है, फिर इसका एक और आंसर है कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो भी हो जाता है, और वो कब होगा, जब f ऑफ x एक विषम फलन है। विषम फलन किसको बोलते हैं, f ऑफ माइनस x की वैल्यू माइनस f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, जैसे भाई एक एक एग्जाम्पल छोटा छोटा, बाकी तो अपन अभी इसके क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि माइनस पाई से पाई और साइन की पावर 99x, अब ये बड़ा
डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में कि भाई यार इतनी पावर है कैसे करें क्या करें, है ना। लेकिन आप इसको देखो, इसलिए ये जो इफेक्ट्स है आपने लिमिट देगी, लिमिट इसकी माइनस एक्स ए टाइप की है, तो फिर आप यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो तो साइन की पावर 99 माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स को हमको पता है कि माइनस साइन एक्स होता है, पावर में 99, तो ये हो गया माइनस का साइन पावर में 99 एक्स। क्या आ रहा है? माइनस एफ एक्स। तो ये एक विषम फलन हो गया, है ना, ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। इसके बेस पे फिर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, कुछ हमको करना नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां मैं अभी कुछ और कर देता जैसे, ठीक है, जैसे कि भाई अभी यहां मैंने 98 कर दिया, यही सेम ही क्वेश्चन, तो अब यहां 98 रहेगा तो भैया ये तो माइनस है जो प्लस हो जाएगा, तो ये तो वापस एफ ऑफ एक्स आ गया ना, ये वाला केस बन गया। तो ये अब इवन फंक्शन हो गया, सम फलन हो गया। उस वाले केस में फिर ये करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए मल्टीप्लाई में 20 टू पाई साइन की पावर 98x, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। फिर आगे कैसे करेंगे वो तो अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी की। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। आपकी जो एक्सरसाइज 10.3 है उसमें मैंने लोअर लिमिट जीरो के क्वेश्चन करा दिए सारे, वो एक आधा तो कोई बच्चा भी है तो वो ऐसा है कि उस प्रॉपर्टी से नहीं होने वाला होगा, इसलिए देखो आप क्वेश्चन लेते हैं अपन फिर से। हाँ भी, तो आप देखो ये आपको लग रहा होगा कि स्टार्टिंग वाले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें माइनस ए से ए लिमिट है, तो उनमें अपन यूज करेंगे, लेकिन उनमें मॉड भी लगा हुआ है, तो मॉड से रिलेटेड चीजें पढ़ना बाकी है, तो इसको अपन बाद में लेंगे। आप आ जाओ सीधा जम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 x की पावर 5 cos स्क्वायर x, ये ठीक है। तो इसमें आप ये आपने लिमिट देगी माइनस ए से ए टाइप की है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, इसके प्लेस में माइनस एक्स लगाओगे, माइनस एक्स की पावर 5 कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये तो आ जाएगा माइनस में एक्स की पावर 5 कॉस माइनस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स ही, तो कौन सा फंक्शन हो गया ये, ये एक ऑड फंक्शन हो गया, विषम फलन हो गया, ठीक है। अतः एफ ऑफ एक्स एक विषम फलन है, ऑड फंक्शन, fx इज एन ऑड फंक्शन। तो फिर हमको पता लग गया कि p7 प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट लगेगा, तो पहले प्रॉपर्टी मेंशन करो भाई किस कारण से आप जीरो कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू p7 माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है इसकी वैल्यू जीरो होती है इफ fx इज एन ऑड फंक्शन, दैट्स व्हाई आई इज इक्वल टू जीरो। बस आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, चेक करा पता लगा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ रही है, यानी ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टी लिखी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन जीरो हो जाए,
ये बोर्ड एग्जाम में कैसे हम लिखेंगे वो आप इसमें देख लेंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी ऐसे ही होगा, आप उसको चेक करोगे वो भी ऑड बन जाएगा, तो बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ यहाँ पे। देन वी मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 10, आई इज इक्वल टू माइनस 1 to 1 लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। देखो लिमिट माइनस ऐसे टाइप की है, देन वी हैव टू चेक कि इवन और ऑड, तो हमने यहां लिखा है 4x, ठीक है। अब आपको चेक करना पड़ेगा जब भी ऐसी लिमिट है, यानी जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स लगा दो। आपने यहां माइनस एक्स लगाया तो इसने इसको प्लस बना दिया, और यहां माइनस एक्स लगाया तो ये अलग। अब देखो ये इसके जैसा लग नहीं रहा है और न माइनस अफेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन आप देखो मैं अगर इसको अंदर वाली वैल्यू को उल्टा कर देता, तो आपको पता होना चाहिए लॉग के अंदर की वैल्यू उल्टी कर दी आपने, तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है, यहां माइनस आ जाएगा। अब ये क्या है माइनस, और ये क्या है एफ ऑफ एक्स है भाई, ऐसा फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। सो एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, सो अकॉर्डिंग टू P7 P6 ठीक है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। दैट्स व्हाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं अपन। देखो अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देंगे, थोड़ा लेंदी भी है। क्वेश्चन नंबर 15, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू प्लस का पाई बाई 4 एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन में 2 माइनस कॉस 2। ठीक है ये क्वेश्चन है, हमने देखा बट इसकी माइनस ऐसे ए टाइप की है, तो जैसे ही हमने देखा लिमिट ऐसी है तो हमको चेक करना होता है कि इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं भाई, ये जहां जहां एक्स आ रहा है ना वहां पे अपन क्या लगाते हैं माइनस एक्स लगाते हैं और चेक करते हैं। तो भाई जैसे अपने लिए ये एफ ऑफ एक्स हो गया, यहां लगाया माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4, जब यहां लगाओगे तो कॉस माइनस 2x बनेगा, तो वो कॉस 2x ही हो जाएगा वापस, ये आ रहा है। अब आप देखो कि ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें और इसमें तो अंतर पैदा हो गया, तो ये ना तो fx बन पा रहा है न माइनस fx बन पा रहा है, किसी को लग रहा हो सर माइनस आ गया। माइनस fx तो तब होता है जब ऊपर ऐसे आ रहा, तब होता है। तो ये ना तो एफ एक्स बना ना माइनस एफ एक्स बना, तो ये फंक्शन ना तो इवन है और ना ओड है, यानी ना तो ये सम फलन है ना ये विषम फलन है। ऐसा भी जरूरी नहीं कोई फंक्शन इवन और ओड में से एक होगा ही होगा, हो सकता है इनमें से हो जाए, हो सकता है दोनों ही ना हो। तो अभी तो ये दोनों ही नहीं है, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी अभी आपकी इसमें अप्लाई नहीं होने वाली, समझ रहे हो बात। हमने चेक कर लिया नहीं बना तो नहीं अप्लाई होगी, तो फिर अब आप इसमें देखो क्या हमको करना चाहिए। चेक करने पर तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, तो आप एक काम करो भैया, इसमें इसमें ऊपर जो दो टर्म्स है ना उनमें अलग अलग डिवाइड कर दो, एक्स में इसका अलग डिवीजन और
पाई बाई फोर में अलग डिवीजन, जिसमें पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर लिख देता हूँ। ऐसे हमने इसके दो पार्ट कर लिए। दो पार्ट करने के बाद में इसको तो आप आई वन मान लो और इसको आप आई टू मान लो। अब बात करते हैं आई वन की। अब इसको एक बार फिर से अब आप चेक करो कि भाई अभी अब पहले हमने इस पूरे की बात करी थी, अब हमने दो पार्ट अलग कर दिए, केवल इसकी बात करेंगे। इसको चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो आप मुख्य रूप से ही देख सकते हो, आप यहां माइनस एक्स लगाओगे तो माइनस एक्स ही रहेगा, और यहां जब लगाओगे तो कॉस माइनस टू एक्स की वैल्यू कॉस टू एक्स आ जाएगी। तो माइनस एक्स अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स क्या बन रहा है? ये बन रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है। माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है तो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो इंटीग्रेशन जीरो हो गया इसका। ठीक, अलग करने से इसका काम बन गया। ठीक है, तो यहां इसको भी मेंशन करनी पड़ेगी, ये जो चीज है f of x is equal to this one, f of minus x is equal to minus x upon 2 minus, यहां लगाने से ये आ जाएगा f of minus x is equal to minus f of x। f of x एक विषम फलन है, f of x is an odd function। ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के कारण प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? P7 की सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अकॉर्डिंग टू P7 सेकंड पार्ट माइनस a टू a f of x dx इज इक्वल टू जीरो व्हेन f of x इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अब अपना इसके कारण आई वन जीरो हो गया, दैट्स व्हाई आई वन इज इक्वल टू जीरो। आई वन की वैल्यू आप यहां रख दो, तो आई वन का मान समीकरण एक में रखने और आई टू भी ऑपोजिट दो में, आई वन इज इक्वल टू ये जीरो हो गया तो पाई बाई फोर और आई टू ऑपोजिट देता हूं, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो केवल इसको सॉल्व करना बाकी रहा आपने। ये इस तरीके से आ गया भैया। अब आप देखो इसको भी आप चेक कर सकते हो, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर है बेबी, और इस फंक्शन को चेक करोगे ना तो ये आपका फंक्शन इवन बन जाएगा। देखो आप तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यहां लगाने से वापस cos x से आना है, तो इसमें अगर x की जगह माइनस x लगाओगे तो ये fx बन रहा है, तो ये इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां g of x मान लेते हैं इसको, पहले वाले को f of x मान लिया, तो हमने g of minus x की वैल्यू जब निकाली तो आप देख सकते हो वापस यही आ गई, तो g of minus x is equal to g of x। तो g of x जो है एक सम फलन है, इवन फंक्शन है भैया। फिर उसके अंदर अगेन प्रॉपर्टी तो P7 ही लगेगी, बट फर्स्ट पार्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, माइनस a टू a f of x dx इज इक्वल टू 20 टू a f of x dx। ठीक है, अगर इवन है। अब तो ये चीज आपको भी कहां अप्लाई करनी पड़ेगी? इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? तो i, ये i हो गया था, i1 नहीं रहा, I is equal to pi by 4 multiply में 2 और lower limit 0, बाकी चीजें जैसे है वैसे ही। अच्छा, जब ये P7 property का first part apply, second part apply होता है तो integration vanish हो जाता है, zero हो जाता है, लेकिन first part apply होने से integration हो नहीं जाता, बस इतना फर्क पड़ता है lower limit 0 हो जाती है। क्वेश्चन तो अभी भी तस का जस का तस ही है। अब बात करनी है अपने को इस क्वेश्चन के बारे में कि भैया इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हिस्सा है, इसको कैसे इंटीग्रेट करें इसके बारे में अपने को सोचना है। ठीक है, तो आप देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इधर लिख दूं इसको मैं, ये पाई बाई टू हो गया आई थिंक, जीरो टू पाई बाई फोर
वन अपॉन टू माइनस कॉस प्लस। अब यहां पे मैंने एक पैटर्न आपको लिखाया था शायद प्रीवियस क्लास के अंदर ही, वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स करके जो था, सेम पैटर्न यहां पे लगने वाला है। एक एग्जांपल कराया था प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लेना, वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसमें जो चीज बताई थी वो इसमें भी लग जाएगी और इसमें भी लग जाएगी, तीनों में लग जाएगी। क्या कि जो भी साइन कॉस वगैरह आ रहा है उसको आप एन एक्स बाई टू में कन्वर्ट करोगे और देन ये फर्स्ट स्टेप होगी आपकी, और सेकंड स्टेप में टेन एक्स बाई टू को टी मानोगे। ठीक है, ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराया था, एग्जांपल था जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उस पर जाके देखना मैंने नोट कराया है। वो चीज ही यहां ये वन अपॉन ए प्लस बी की जगह माइनस और कॉस टू एक्स, यानी ये वाला पार्ट बन रहा है भाई, यहाँ कॉस एक्स तो टेन एक्स बाई टू में बदल जाएगा, कॉस टू एक्स तो टेन एक्स में बदल जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगने वाला है कुल मिला। तो चलो ये अप्लाई कर दो बस, अभी तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है जो कैसे करना है, पैटर्न इसका मैंने दिखाई दिया आपको, टू माइनस ये क्या हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू जीरो टू पाई बाई फोर, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया यानी कि sec स्क्वायर एक्स आ गया, यहां पे टू प्लस 2 tan square x minus 1 plus tan square x, तो ये हो गया sec square x upon 3 tan square x plus 1 dx, ये चीज आ गई। अब बस tan x को भाई यहां जब x tan x by 2 में बदलता है तो tan x by 2 को t मानते हैं, यहां tan x में तो tan x को भी tan x का डेरिवेटिव है भाई, यहां पे सीधा सा कांसेप्ट है, लेट tan x इज इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, लिमिट भी आप चेंज करोगे x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू पाई बाय 4 देन t इक्वल्स टू 1, ये है। ठीक है, आगे फिर लिमिट लिमिट में बदलाव कर लें। I इज इक्वल टू पाई बाई टू, लिमिट हो गई आपकी जीरो से वन sec स्क्वायर x dx की प्लेस में dt, और ये हो गया थ्री टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, ये वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप में हो गया तो टी स्क्वायर कोफिशियंट वन बना लो, y by 6 3 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा t स्क्वायर प्लस 1 by 3, y by 6 0 to 1 लिमिट है, t स्क्वायर प्लस 1 by root 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 1 by a, 1 by a तो root 3 ऊपर चला गया है, tan इनवर्स x y a तो फिर रूट थ्री ऊपर चला गया, लिमिट आपकी हो गई जीरो से वन, ये रूट थ्री पाई अपॉन सिक्स टेन इनवर्स रूट थ्री, यहाँ पे वन लगाया फिर टेन इनवर्स यहाँ जीरो लगाया तो टेन इनवर्स जीरो हो गया, तो टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू तो जीरो और टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू पाई बाई थ्री, पाई बाई सिक्स इंटू यहां से आ जाएगा पाई बाई थ्री। ठीक है भैया, तो ये आ गया भैया रूट थ्री पाई स्क्वायर अपॉन 18, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और चाहे तो फिर ये भी कर सकते थे, इससे इसको कैंसिल करते तो 6 रूट थ्री आ जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, यानी अगर ऐसे कैंसिल कर देते अब किस फॉर्म में आंसर आ रहा है वो आप देख ले, या पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट थ्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, दो तीन चीजें थी इसमें जो इसमें शामिल हो रही थी, तो वो है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस जो है अपन अगली क्लास में देखेंगे, और उम्मीद कर रहा हूं कि क्लासेस अपनी 2 तारीख से शुरू हो जाए तो
फिर क्लासरूम के अंदर ही हम पढ़े। आप लोगों के बिना पढ़ा तो रहे बट कैमरे का मुंह देख के पढ़ाना बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट सा होता है। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे जब सामने होते हैं तो पढ़ाने का मजा कुछ और होता है, और लाइव जो चीज़ें होती हैं उसका तो वास्तव में मजा कुछ और ही होता है। बट फिर भी हमने कोशिश की कि ये जो भी पीरियड था उसमें जितनी आपकी मदद की जा सके वो प्रयास किया। तो थैंक यू वेरी मच।